ऊंट पर सफेद चादर ओढ़े ऊंचा हिमालय, पास में हरी चुनरी पहने पहाड़ियां और नीचे कल कल बहती नीली नदी। जैसे यह नजारा काफी न था कि तभी राजा जंबुलोचन ने करीब के तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत था। राजा जंबुलोचन को ये नजारा छू गया। जिस जगह एक बाघ बकरी साथ पानी पी सकते हैं, जहाँ एक शेर भी एक भेड़ को मारने से बख्श देता हो, जहाँ एक मेमना शेर से न डरता हो, वहीं मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए। तभी तो इस प्रदेश के हर निवासी को बराबर का इंसाफ, बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का दर्जा मिल सकेगा। Thank you.
प्रभु का नाम और इसके प्यार का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। वैसे इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के दिनों से ही ये इलाका बसा हुआ था, जिसके निशान आज भी बांडा और अखनूर में मौजूद हैं। धीरे धीरे यहाँ सनातन धर्म की निशानदेही करने वाले शैव, वैष्णव और शक्ति मतों के मंदिर मठ भी इस स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने लगे। इसी तरह लगभग गौतम बुद्ध के समय से ही यहाँ बौद्ध मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि मद्र जनपद और अम्बरन यानी अखनूर में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और राणा वंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन चैन शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारवां और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शौहरत को चारों दिशाओं में फैलाने लगे। इतिहास बताता है कि धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगर कोटों को बसाया और उनको भारतीय नगर शैली वास्तुकला में निर्मित मंदिरों, महलों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा अवतार देव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना लिया और फिर राजा ध्रुवदेव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामवाल राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मजारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा, पर सब में बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बाबे वाली माता महाकाली का। एक विश्वास के अनुसार जिनकी प्रतिमा को 8वीं सदी में अयोध्या से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था, साथ ही महान महात्म्य रहा है पास ही कटरा में त्रिकूट पर बसी माता श्री वैष्णो देवी का। संतनिक का हिस्सा बनाया तो भी जम्मू को डोगरों के संरक्षण में ही रहने दिया गया। मध्य 8वीं सदी में राजा रणजीत देव के वक्त में जम्मू की डोगरा रियासत फलने फूलने लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंडी के महलों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की 22 रियासतों को जोड़कर एक मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मुगलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे तो वहीं हजारों कारीगर, दस्तकार, कलाकार भी जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मंदिर मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया, पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जमींदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए
गुलाब सिंह ने वीर हर सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कहलूरिया राजपूत सिपह सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सुन सिमली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबा पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था, पर ये सूरत डोगरों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक नस्ली घोड़ा, 3 सोने के ताव से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़े और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उन्हीं के जमाने में इस किले यानी किलाए बाहू को फिर से नई तरह से बनाया और सजाया गया। अब जम्मू में भी नए महल, नए बाग, नई इमारतें तामीर की जाने लगी। रणवीर सिंह ने धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया और साथ ही पूर्वमंडल व उत्तर भागनी में मंदिर श्रृंखलाओं का भी निर्माण करवाया एवं इनके साथ माँ गंगा की बड़ी बहन मानी जाने वाली नदी देवत के तट पर संस्कृत पाठशाला स्थापित की। देश के डोगरों पीर पंजाल से शिवालिक तक विचरण करते गुज्जर बकरवालों, तमाम दस्तकारों, अनेकों पंडितों और विद्वानों, गायकों, लोक नाटक के साधकों तथा मिनिएचर पेंटिंग करने वाले चित्रकारों के चलते जम्मू एक मजबूत और अलग बहुसंस्कृति एवं संस्कारों का गढ़ बन गया, जहाँ कहीं गद्दियों गुज्जरों की बांसुरी की धुनें तो कहीं जोगियों की कारकों और बारें, तो कहीं कुर्द तो कहीं कुम्मनी
कहीं औरतों का जागरण और कहीं हिरण और भक्ता जैसे कहानी कहते रंग नाट्य रूप मिलने लगे। मगर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इतिहास के भी पहले की है, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। महाभारत के समय मेरे किनारे पांडवों की सेना ने डेरा डाला, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ में छोड़ा उनका घोड़ा इधर ही चला आया। और फिर छोड़ दे इस घोड़े को, ये कोई साधारण अश्व नहीं है, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जिसे पांडवों ने छोड़ा। मैं नहीं जानता किसी पांडव को, मैं बस इतना जानता हूं कि ये घोड़ा मेरी माँ के खेत में घुसाया। क्या तूने भीम का नाम नहीं सुना? क्या तुझे धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं पता? धनुर्धर अर्जुन कर देंगे तेरा काम तमाम। इन सबका नाम लेके मुझे डरा रहे हो या अपना डर दूर कर रहे हो? मैं सब में से किसी को नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस घोड़े ने मेरी माँ गुलाबी की मेहनत को नष्ट किया है, जिसकी सजा मैं इस पागल घोड़े को अवश्य दूंगा। अभद्र लड़के, तू क्या सजा देगा? हम अभी तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर तूने इस अश्व को न छोड़ा तो। आक्रमण! ये पार्टी
और इस तरह बनी मानसर की अतः झील और सुरंगसर यानी सुरैसर झील। अब हम मानसर और सुरैसर के रमणीक स्थलों से वापस आते हैं और इस बाहु फोर्ट को देखते हैं। यह कद्दावर किला, इसकी आठ बुर्जियां, मजबूत दीवारें, प्राचीरें, पहरे की मीनार, तालाब और दुर्ग की रक्षा के लिए बना बारूद खाना और अभेद कैद खाना। किले के बाहर से जम्मू नगर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। इनमें है मुबारक मंडी, अमर महल और हरि निवास और मंदिर कलशों की श्रृंखला। आप जानते हैं कि नदी को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? आजादी। पहाड़ों से मैदानों तक उछलते कूदते उफनते बहते हुए चलने की आजादी। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा खुश थी जब अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। पर मुझे दुख भी था कि देश बट भी गया था, हालांकि मैंने उस बंटवारे को कभी नहीं माना और अखंड भारत की ही तरह सरहद के उस पार बसे लोगों की भी प्यास बुझाती रही हूं मैं। आज मैं बेहद खुश हूं और आपके साथ बांटना चाहती हूं अपनी ये खुशी। हो सके तो नवरात्रि के बाहु मेले में आइए, वरना किसी भी रात इस किले में चले आइए और देखिए दिवाली से सजे यहाँ बाग बगीचे, किले पर फोटे झरने और फव्वारे। इंसानों को, परिंदों को और जलिंदों को यानी मछलियों को, तो जब फुर्सत मिले तो यही किले के नीचे मेरे करीब ही बने देश के सबसे बड़े अंडरग्राउंड एक्वेरियम में जरूर आएंगे। रंग बिरंगी मछलियों को देखकर आपको अंदाजा होगा जम्मू की सतरंगी तहजीब का। जिसने मलिका पुखराज को जन्म दिया तो उस्ताद अल्लाह रखा खां और पंडित शिव कुमार शर्मा को भी। अपने मिनिएचर्स के लिए नामची जम्मू असल में मिनिएचर इंडिया है, जिसमें आपको देखती है एक इंद्रधनुषी संस्कृति जहां अनगिनत भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों, पोशाकों, खान पान, विश्वासों से जुड़े लोग एकजुट होकर रहते हैं और सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरी ही तरह, क्योंकि मैं सूर्यपुत्री तभी किसी भी प्यासे से नफ्स का मजहब पूछती हूँ। ना जात, ना खान पान, ना ही पहनावा, सबका साथ देना, सबकी प्यास बुझाना, सबकी तरक्की और सबका विकास और सबका विश्वास ही तो है नदी का धर्म। मुझे यकीन है आप सब भी यहाँ से जाकर एक दूसरे में उसी तरह घुल मिल जाएंगे जिस तरह मेरा जल हर रंग में घुल जाता है, मिल जाता है, ढल जाता है।